दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप वो कर सकें जो वाकई आप करना चाहते हैं, यानी जिसे करने का आपका मन है? आप अपने सपनों को पंख घर बैठे देना चाहते हैं, किसी ऑफिस या किसी वर्क प्लेस पर नहीं जाना चाहते? दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमारे देश के शहरी इलाकों में करीब 15 मिलियन लोग अपने इस सपने को जी रहे हैं। फ्रीलांसर इनकम्स अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट 2018 के मुताबिक करीब 15 मिलियन लोग अपने घर से अपने मन मर्जी का काम करके अपने इन सपनों को हकीकत में जी रहे हैं। इन लोगों को सेल्फप्रेन्योर्स कहा जाता है और ये लोग खुद के मालिकाना हक वाला अपना कारोबार कर रहे हैं। ये लोग तेजी से बढ़ रहे उस ग्रुप का हिस्सा है जो देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ बताएंगे जिन्हें स्टार्ट करके आप घर बैठे ही अच्छा खासा कमा सकते हैं, बिना किसी ऑफिस जाए और बिना किसी 9 से 5 वाली जॉब में फंसे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, वर्चुअल असिस्टेंट, लेखक और ट्रांसलेटर्स से लेकर वेब डेवलपर्स तक सभी ऑनलाइन वर्क के बेपनाह अवसर आपके पास आ रहे हैं। जनवरी 2018 में 500 भारतीयों के बीच में हुई पेपल स्टडी के मुताबिक 41% सेल्फप्रेन्योर्स ने एक साल में बहुत तेज ग्रोथ हासिल की है और इनमें 80% इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। करीब 23% की सालाना इनकम 60 लाख रुपए हो रही है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आज की वीडियो में हम जो तरीके आपको बताएंगे वो पैसे कमाने के सबसे आसान तरीके नहीं है। किसी भी दूसरी नौकरी या किसी भी दूसरे काम की तरह आपको दिन के कुछ फिक्स घंटे इस काम को देने होंगे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यानी आप ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और कैरियर साइट्स पर ये ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। एक अपना पेपल अकाउंट बनाइए और आप रेडी हैं काम करने के लिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब है कि दूर बैठकर कंपनियों को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उनके काम में डेटा एंट्री, प्रोजेक्ट मैनेज करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, वेबसाइट और ब्लॉग मेंटेन करना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराना, डेटा से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, ये सब शामिल रहते हैं। एक वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, एमएस ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट्स के बेसिक्स आने चाहिए। कई क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए आपके अंदर मल्टीटास्किंग की क्षमता भी होनी चाहिए। इस काम के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप मार्केट में क्रेडिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये काम ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन पर जॉब लिस्टिंग, करियर साइट्स और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे freelancer.com, upwork.com इनका सहारा ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए आप अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी कमाई कितनी होगी ये डिपेंड करेगी कि आप कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हैं। साधारण काम जैसे डेटा एंट्री और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग जैसे काम, इसके लिए आपको 200 रुपये से 350 रुपये पर आर मिल जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया कैंपेन, ब्लॉग राइटिंग या प्रेजेंटेशन बनाने जैसी सर्विसेज देते हैं तो 1000 रुपये प्रति घंटे तक आप कमा सकते हैं। आप खुद से ये डिसाइड करिए कि आप कौन सा काम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। फिर ऐसे क्लाइंट्स ढूंढिए जिन्हें इन सर्विसेज की ज़रूरत है जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। बढ़िया काम से आप किसी भी खास इंडस्ट्री में बहुत जल्दी अपनी पहचान बना सकते हैं। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए खुद को बेहतर और कुशल बनाते रहें। अगर हम इनकम की बात करें तो एवरेज जो इनकम है वो नए लोगों की 250 रुपये प्रति घंटा है और ये इनकम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ 800 रुपये प्रति घंटा तक हो जाती है।
दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है पॉपअप मील एट होम, घर बुलाइए और घर बुलाकर खाना खिलाइए और मोटा मुनाफा कमाइए। सोशल डाइनिंग का ये एक बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसे होम पॉपअप्स के तौर पर भी जाना जाता है और होम मेकर्स इससे अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। घर पर खाना पकाना और किसी खास क्षेत्र या विशेष खाने के ऑथेंटिक टेस्ट के लिए 5 से 8 लोगों को इनवाइट करना। इस तरह का खाना अक्सर मल्टी कोर्स रहता है। आसान शुरुआत के लिए आप ऑथेंटिक कुक और ईट विद इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद को लिस्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स मार्केटिंग और पेमेंट्स का हिसाब किताब रखती हैं। पैसों का फैसला आप पर होता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद करते हैं। 5 से 6 आइटम वाले एक स्टैंडर्ड मील की कीमत 1500 रुपये से ज़्यादा होती है, वहीं हल्का खाना और स्नैक्स 600 से 800 रुपये में मिल जाते हैं। नॉनवेज अगर हम खाने की बात करें तो वो 500 रुपये या इससे ज़्यादा तक महंगा होता है। खाने के अलावा आप कुकिंग क्लासेस भी होस्ट कर सकते हैं। इसके लिए 2000 रुपये से 4000 रुपये तक पर पर्सन आप चार्ज कर सकते हैं। क्लीनिंग और ग्रोसरी की लागत 400 रुपये से 500 रुपये के बीच पर पर्सन आती है। क्रॉकरी और डेकोरेशन पर एक बार होने वाले खर्च की कीमत करीब करीब 6000 रुपये पड़ेगी। और जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करेंगे वो अपनी सर्विस फ़ीस होस्ट की जगह डाइनर्स यानी गेस्ट से लेते हैं। कॉस्ट और फीस घटाने के बाद आप महीने में एवरेज 20000 रुपये तक कमा सकते हैं। होस्ट को होने वाली कमाई लोकेशन, मेन्यू और कीमत के हिसाब से अलग अलग होती है। आम घर का खाना परोसने के बजाय अगर आप ऐसे डिशेस चुने जो खास तौर पर आपके कल्चर या आपके एरिया से रिलेटेड हो तो आप एक ब्रांड इमेज बना सकते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ तो ये और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बिजनेस में जो आपकी एवरेज इनकम होगी वो 15000 से लेकर 22000 रुपये तक हो सकती है। अगला जो बिजनेस ऑप्शन आता है वो आता है स्टॉक फोटो साइट्स के लिए फ़ोटो क्लिक करना। दोस्तों चाहे आप शौकिया या फिर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, आप स्टॉक फोटोग्राफी साइट्स जैसे imagebazaar.com, shutterstock.com, gettyimages.com और stock.adobe.com जैसी दूसरी वेबसाइट्स पर इन फोटोज़ को लाइसेंसी बनाकर अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। लेकिन इसमें बस मुश्किल ये आती है कि तस्वीरें और वेक्टर ग्राफिक्स साइट्स के स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया को पूरा करते हों, और ध्यान रखिए कि ये क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। फ़ोटो कम से कम 4 से 12 मेगापिक्सल और JPG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। हाई स्टैंडर्ड से आप ये भी समझिए कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके फ़ोटोज़ शुरुआती तौर पर ही रिजेक्ट हो जाएं। ये वेबसाइट्स रोशनी, फोकस और नॉइज़ के आधार पर तस्वीरों और वीडियोस का रिव्यू करते हैं। इसके अलावा लोगो, लेबल और कार्टून और टीवी सीरीज़ के लोगो, लेबल और कार्टून के लोगो वाले फ़ोटोज़ को कॉपीराइट इशू की भी उनकी जांच की जाती है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं तो फोटोशॉप और अडोब लाइट रूम पर फोटो एडिटिंग के बेसिक्स सीख लें। इसके अलावा आपकी कमाई आपके डाउनलोड नंबर पर निर्भर करती है, इसीलिए लगातार नए नए फोटोज़ को आप पोस्ट करते रहिए। अगर हम इनकम की बात करें तो हर डाउनलोड के लिए आपको कमीशन मिलेगा। ये कमीशन अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग होता है और एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ आपको ज़्यादा कीमत मिल सकती है। गेटी इमेजेस का फ़ोटोज़ के लिए सिलेक्शन स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन हर डाउनलोड के लिए 20% का कमीशन मिलता है। अडोब स्टॉक 33% का कमीशन देता है और शटर स्टॉक हर डाउनलोड पर फ्लैट 17 रुपीज़ की फ़ीस पे करता है। दूसरी साइट्स जैसे एलमी, स्टॉक्सी और शटर पॉइंट 35 से 80% के बीच में कमीशन देते हैं। imagebazaar.com जो एक इंडियन स्टॉक फ़ोटो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा यानी 50% तक कमीशन देती है। इमेजेस बाजार के सीनियर अधिकारी के अकॉर्डिंग एक तस्वीर के लिए इनका जो औसत डाउनलोड प्राइस होता है वो करीब 4 से 5 हज़ार रुपये होता है और इसका 50% ये आगे पे करते हैं। तो दोस्तों किसी एक वेबसाइट को एक्सक्लूसिव राइट्स देने की जगह हाई ट्रैफिक के साथ 4 से 5 साइट पर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करें और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपलोड किए जाने वाले हर फोटो के साथ
एक सही कीवर्ड डालें। अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो नए लोगों के लिए 2000 रुपये से 4000 रुपये प्रति माह और 2 साल बाद 35000 रुपये तक की कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट बिजनेस ऑप्शन आता है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट बिजनेस शुरू करने और साइट्स पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बढ़िया क्वालिटी के वेब कंटेंट की ज़रूरत होती है, जिसके चलते कंटेंट राइटर्स की डिमांड बढ़ी है। सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, कंटेंट के लिए आपकी ग्रामर पर आपकी मजबूत पकड़ और अलग अलग टॉपिक्स पर लिखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। वेब कंटेंट के लिए SEO और HTML की जानकारी आपको एक्स्ट्रा लाभ देगी। हर प्रोजेक्ट पर लगने वाला समय इसकी लेंथ और सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। राइटिंग और प्रूफ रीडिंग के काम का भुगतान अधिकतर शब्दों के आधार पर होता है, कभी कभी यह प्रोजेक्ट पर भी डिपेंड करता है। प्रमोशनल कंटेंट के लिए 1 से 3 रुपये प्रति शब्द, जबकि स्पेशलाइज्ड कंटेंट के लिए 8 से 10 रुपये प्रति शब्द तक मिल जाते हैं। एक जो गेस्ट राइटिंग होती है जिसमें राइटर क्रेडिट नहीं लेता, उसके लिए 5 रुपये प्रति शब्द तक अतिरिक्त मिल सकते हैं। ग्लोबल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे पेपल पर आर, अपवर्क, फ्रीलांसर और फीवर भारतीय साइट्स की तुलना में ज़्यादा पेमेंट करते हैं। और अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 1000 रुपये से 1300 रुपये तक प्रति घंटा कमा सकते हैं। इन प्रोजेक्ट से होने वाली टोटल इनकम पर ये साइट्स 5 से 20% की सर्विस फीस भी चार्ज करते हैं। ज़्यादा काम करने के लिए आप सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाइए। दोस्तों, अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो नए लोगों के लिए 5000 से 8000 रुपये महीना और 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 40,000 रुपीज़ तक पर मंथ कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑनलाइन ट्यूशन। दोस्तों, हाई क्वालिटी वेब कैमरे वाला एक कंप्यूटर और किसी खास सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज, यही ऑनलाइन टीचिंग की कुंजी है। वेदांतु, भारत ट्यूटर और ट्यूटर इंडिया कुछ ऐसे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो भारतीय टीचर्स और छात्रों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इनके अलावा दूसरी वेबसाइट्स जैसे eduwizards.com, tutorvista.com, check.com, myschoolpays.com जैसे पर ऐसी वेबसाइट्स पर आप ब्रिटेन, अमेरिका, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे छात्रों को भी पढ़ा सकते हैं। इन साइट्स पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एडवांस डिग्री की भी ज़रूरत होती है और तब ये आपको ज़्यादा पे करती हैं। यही कारण है कि अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर डिग्री और 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग ज़्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो फॉरेन छात्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज स्टूडेंट्स या नॉन टीचिंग प्रोफेशनल्स जिनके पास कोई विशेष योग्यता, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो भी इन साइट्स पर साइन अप कर सकते हैं। कई टेस्ट, मॉक सेशन और स्क्रीनिंग व अप्रूवल के बाद अधिकतर साइट्स वर्चुअल वाइट बोर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फ्री ट्रेनिंग भी कराते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे देने होते हैं, इसीलिए 3 से ज़्यादा साइट्स पर आप साइन अप ना करें। कुछ साइट्स छात्रों को साथ सीधे ट्रांजेक्शन की परमिशन देते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते हैं। वहीं वेदांतु जैसी साइट्स एक तय पे स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। अधिकतर प्लेटफॉर्म्स पर 200 रुपये से 2000 रुपये तक के बीच का रेट आपको मिल सकता है। ये साइट्स 10 से 15% तक प्रति सेशन की सर्विस फीस भी वसूलती हैं। प्रति घंटे मिलने वाली फीस आपकी एक्सपर्टीज, आपके सब्जेक्ट और आपके क्लास लेवल पर डिपेंड करती है। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 550 रुपये पर आवर्स के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप ट्यूशन फॉरेन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो ये फीस 900 से 1100 रुपये तक हो सकती है। कॉलेज के कोर्सेज के लिए जो फीस होती है वो 250 से 300 रुपये पर सेशन से ज़्यादा हो जाती है। मैथ, साइंस और कंप्यूटर साइंस की ट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। टीचिंग वेबसाइट्स पर प्रीमियम पैक अपनाकर अपनी प्रोफाइल की मार्केटिंग करें। ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल टॉप पर और ज़्यादा छात्रों को दिखेगी। अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो नए लोगों के लिए 20,000 रुपये और एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए 50,000 रुपये प्रति माह तक आप कमा सकते हैं।
नेक्स्ट जो बिजनेस ऑप्शन आता है वो है ट्रांसलेशन। दोस्तों इंटरनेशनल कंपनीज इनको टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और एकेडमिक पेपर्स के ट्रांसलेशंस के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। एक ट्रांसलेटर के तौर पर फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पर अपनी पकड़ बनानी होगी। एम्प्लॉयर्स बैचलर डिग्री या वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही ना होने पे आप कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाने वाले ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल ट्रांसलेटर या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम शुरू कर सकते हैं। लैंग्वेज जैसे चाइनीज या जापानीज में एडवांस डिग्री या सर्टिफिकेशन आजकल बहुत डिमांड में है। ऐसी कोई भी डिग्री होने पर आपकी कमाई बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके बाद भारतीय भाषाओं जैसे तेलुगु, पंजाबी और कन्नड़ में भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मल्टीलिंगुअल स्किल्स के लिए दूसरे मौकों में ट्रांसक्राइबिंग, प्रूफ रीडिंग, ऑनलाइन टीचिंग और कॉल सेंटर में काम करना भी शामिल है। वेब एप्लीकेशंस और प्रूफ रीडिंग असाइनमेंट के ट्रांसलेशन के लिए 800 रुपये के करीब मिलते हैं और इसमें 6 से 7 घंटे का समय लगता है। बड़े असाइनमेंट जैसे लेक्चर्स का ट्रांसलेशन, एकेडमिक मैनुस्क्रिप्ट्स, वेबसाइट्स, इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करना और सब टाइटल देने जैसे काम के लिए 1500 रुपये से 2500 रुपये के बीच आपको मिल जाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 2-3 दिन का समय लग जाता है। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड या क्लाइंट लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं तो आप 3000 रुपये प्रति घंटे तक चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेशन की भारी डिमांड है और अपनी कैपेसिटी साबित करने के लिए इन कैंडिडेट्स को कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो 10000 रुपये प्रति महीना से शुरुआत हो सकती है और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 40000 रुपीज़ महीना तक आप नॉर्मली कमा सकते हैं। अगला जो बिजनेस आइडिया आता है वो है वेब डेवलपमेंट। दोस्तों बिजनेसमैन और कंपनीज किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब फुल टाइम हायरिंग की जगह फ्रीलांसर कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा करके वो कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं। वेब डेवलपर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स को बढ़ते मोबाइल एप्लीकेशंस के चलते बहुत बढ़िया पैसे मिल रहे हैं। बल्कि अगर आप 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद फ्रीलांसिंग में स्विच कर जाते हैं तो जितना आप फुल टाइम काम करके अर्न कर रहे थे आप उससे ज़्यादा कमाई कर पाते हैं और ऐसा होने से आप हर प्रोजेक्ट के बाद बेहतर पैकेज के लिए मोल भाव भी कर पाएंगे। दूसरे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस जैसे कंटेंट राइटिंग से अलग वेब डेवलपर होने के लिए कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपकी कमाई उन लोगों से कम होगी जिनके पास पहले से बैचलर डिग्री है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आप अपनी सर्विसेज के रेट्स भी बढ़ा पाएंगे। दोस्तों एक बड़े प्रोजेक्ट से आपको 1.5 से 2 लाख रुपये पर महीने तक कमाई हो सकती है। फ्रीलांस वेबसाइट्स जैसे लिंक्डइन और दूसरे करियर साइट्स पर आपको 1000 ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मोबाइल और वेब डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। फ्रीलांस वेबसाइट्स पर 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स को 1000 से 1700 रुपये पर आवर मिल जाएंगे, जबकि 6 से 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको 2000 से 3500 रुपये पर आवर मिल जाएंगे। फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग और बैक एंड डेटाबेस और सर्वर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको पता है या आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो 1.68 लाख पर महीने आप कमा सकते हैं, 1.5 से 2 लाख के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट जो बिजनेस ऑप्शन आता है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में बढ़ती ग्रोथ के चलते ऐसे लोगों की डिमांड बहुत बढ़ रही है जो कारोबारियों की सोशल मीडिया जो इमेज है उसको मैनेज कर सके। किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया साइट पर कंटेंट डालने के अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कई दूसरे काम भी शामिल रहते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना, एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर प्रेजेंस को मॉनिटर करना, डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके टारगेट ऑडियंस पर रिसर्च करना, सोशल मीडिया कैंपेनिंग करना, एड्स चलाना, ट्रेंड बदलने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव करना और ब्रांड बिल्डिंग जैसे काम शामिल हैं।
अगर आप किसी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, SEO राइटिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बेसिक जानकारी के लिए कई वेबसाइट्स जैसे udemy.com, lynda.com, edx.org द्वारा ऑफर किए जा रहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। इस तरह के काम में कमाई या तो फिक्स रहती है या फिर प्रति घंटे के हिसाब से दी जाती है। घंटे की बात करें तो काम और वैल्यू एडिशन के हिसाब से आपको 350 रुपये से 2000 रुपये तक मिल जाते हैं। फिक्स पेमेंट बजट भी आपकी हर घंटे की फीस के हिसाब से तय की जाती है। ध्यान रखिए कि फिक्स पेमेंट मॉडल के लिए खूब मोल भाव करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा समय लेते हैं और आपके पास किसी और प्रोजेक्ट के लिए समय नहीं बच पाता। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया लगातार बदल रही है, इसीलिए दूसरे प्लेटफॉर्म से कदम मिलाने के लिए अपनी मार्केटिंग स्किल्स को आपको लगातार इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको आज बताए 8 ऐसे ऑप्शंस जिनसे आप घर बैठे ही अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।